कर्नाटक में चुनाव के आखिरी दिन प्रियंका गांधी को देखने क्यों टूट पड़ी पूरी जनता, वजह जानकर रह जाएंगे आप हैरान। जी हां, आपको पता चले कि कर्नाटक में 10 मई को लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना अपना मताधिकार मत पेटियों में पैक कर दिया है। अब 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में पूरी ताकत लगाते हुए नजर आए और दिन रात एक करके मेहनत करके रोड शो और कई रैलियां करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम भी प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए हम कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में आखिरी दिन प्रियंका गांधी को सड़क पर देखने क्यों टूट पड़ी जनता, वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, आपको बताया चले कि जिस तरीके से जब प्रियंका गांधी कर्नाटक की सड़कों पर निकलती थी रोड शो करने के लिए तो लाखों की तादाद में प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस के कार्यकर्ता व स्थानीय लोग नजर आते थे। जनसैलाब ऐसा था मानो पैर रखने तक की जगह नहीं बचती थी और लोग जोर जोर से नारा लगाते हुए नजर आते थे, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले हम आपको प्रियंका गांधी का ये खूबसूरत सा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी एक रथ पर सवार है और इर्द गिर्द लाखों की तादाद में कांग्रेस के समर्थक लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। जिस वीडियो को देखकर भाजपाइयों ने पूरी तरह से प्रियंका गांधी के सामने घुटने टेक दिए, वो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ 19 रैलियां और रोड शो करके नया इतिहास कर्नाटक में रच दिया, उसके बाद से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।